अब यहाँ पर हम लोग आज ट्रैक्टर पर हैं, उस दिन झोटा बुग्गी पर थे, तो क्योंकि पानी भरा हुआ है गांव में और झोटा बुग्गी पे यात्रा, झोटा बुग्गी को छोड़कर आज ट्रैक्टर हमने मंगवाया है और इस बार कलियर विधानसभा का गांव हकीमपुर तुर्रा है और जो समाज से भी पहुंचा उनको भी बैठा लिया है भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतार करके आप भी आइए। जी सर, क्या कहेंगे? मेरे को अपने भाइयों के साथ जाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और इनकी समस्या का निदान ये 100% किया जाएगा, ये मैं सब लोगों से वादा करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से पानी भरा हुआ है और जितने पानी में हमारे बच्चे और यहाँ पर आने जाने की उनके लिए समस्या है और वो नहीं जा पाते हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। बिल्कुल, लेकिन 21वीं सदी में भी हम आज ऐसी स्थिति देख रहे हैं। आपने कहा मैं कलियर विधानसभा में ही भाई पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ मेरी पैतृक, लेकिन आज भी कलियर विधानसभा की स्थिति यही है, कैसा लगता है आपको देखकर? इससे पहले मैंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है और शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ में मैं जो अपना आगे बढ़ता रहा और अब इस समय जो समाज सेवा जो धरातल पर आकर करनी होती है उसके लिए मेरे को जो भगवान ने प्रेरणा दी है और मैं समाज सेवा के लिए तत्पर आया हूँ और इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। पॉलिटिक्स के माध्यम से भाई ये तो चलिए आप देखने की कोशिश करें, लेकिन जो लोग हैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में भाई, जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनको कैसे देखते हैं सर आप जो मौजूदा हैं? जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर हैं वर्तमान में उनको इसका ध्यान करना चाहिए था और इस तरह की जो लोगों के साथ में, क्योंकि हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार इतना धन राशि दे रही है कि जो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी आज तक, ये गलत है बिल्कुल। यहाँ के लिए जो अमाउंट सेंक्शन करा है, कब तक काम शुरू होने की उम्मीद है आपको? ये अधिसाक्षी अभियंता से अभी बात की है तो उन्होंने जो अपनी फाइल बनाकर डीएम साहब को दे दी है और डीएम साहब से कल सब हम लोग जाकर अपना पूरा पैसा देंगे और बहुत जल्दी इसका काम प्रारंभ कराएंगे। अगर हमारी कोशिश ये है कि भाई जनता की अगर समस्या को समझना है किसी जनप्रतिनिधि को, तो समस्या के अंदर घुसकर देखना होगा। आज पैदल चलने के लिए यहाँ पर मोहताज है लोग कि भाई पैदल नहीं चल पा रहे, इसी तरीके से ये रोड पार करते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। सर मैं ये भी पूछना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चे इसमें से स्कूल जाते हैं, बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए भाई, बीमारियों का खतरा ना बढ़े। चाहे मेरे को किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी स्तर तक जाना पड़े, इस समस्या का हम जो है बहुत जल्दी निदान कराएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल सर, कलियर विधानसभा में ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र ये हमें लग रहा है भाई देखने से, और बहुत जगह ऐसी समस्या, ये क्यों है पिछले एक समय से? क्योंकि हमारी जिस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं उस विचारधारा का कोई भी यहाँ हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, और अब आगे देखो जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है तो जब जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सारे काम यहाँ के कराए जाएंगे। एक बार शिवम, अगर हमारा क्योंकि कैमरामैन भी बड़ी समस्या के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन एक बार अगर आप उधर कैमरा करके दिखा दें, और हम लोग भी भाई इसी ट्रैक्टर पर हैं आज और ट्रैक्टर से सवारी कर रहे हैं और जनता की समस्या को देख रहे हैं, बहुत नज़दीक से देखने की कोशिश कर रहे हैं भाई, जो भी जनप्रतिनिधि हो चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, लेकिन सब जगह ऐसी समस्या देखकर बड़ा अजीब लगता है कि भाई भारत में ऐसी स्थिति आज भी है, ये बड़ी समस्या है। और देखिए घरों के आगे लकड़ी लगी हुई है, वहाँ पर आप दिखाइए शिवम कि घरों के आगे लकड़ी लगी हुई है, पुल बना रखा है लोगों ने यहाँ पर निकलने के लिए, बड़ा अजीब लगता है देखकर। जितने लोग स्क्रीन पर देखेंगे इसको, शायद आपको सोच रहे पे यहाँ पर मजबूर होना पड़े कि भाई आज भी ऐसी स्थिति है गाँव में, भले ही हम लोग 21वीं सदी में आज जी रहे हों, बहुत सारे लोग कह रहे हों कि भाई हम लोगों ने गांव को डेवलप कर दिया, हम लोग तरक्की तक पहुंच गए, टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए, लेकिन आज भी यही स्थिति है। हम हकीमपुर तुर्रम गांव, तुर्रम पूरा ये गांव है, इससे आपको दिखा रहे थे, हम लोग किसी और हिस्से में जाएंगे इस गाँव के और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ, कैमरे पर हमारे साथी शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।